खबर है चंदौली से, तेल कटिंग कर चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। मुगल सराय कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। PDDU नगर विगत दिनों पूरो मिल्कीपुर मिक्सर प्लांट के बगल में तेल के टैंकरों से चोरी से तेल कटिंग कर आर्थिक लाभ कमाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई छापेमारी में एक टैंकर में कुल 5,940 लीटर पेट्रोल व 5,940 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसमें से पाइप के जरिए डीजल निकालते हुए पाया गया, जिसमें से 450 लीटर डीजल निकाला गया था। उक्त मकान में 5 ड्रम में 450 लीटर डीजल भरा हुआ, 13 ड्रम खाली, 2 कुप्पी, 2 पाइप, छोटे छोटे डिब्बे, 1 टैंकर, 4 कंपार्ट, 2 पाइप बरामद किए गए थे। मौके से घटना में सम्मिलित अभियुक्त गण अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्तों में से शाहिद जनपद चंदौली के अलीनगर क्षेत्र के निवासी को मंगलवार गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर पुलिस संबंधित धारा लगाते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक NN सिंह थाना कोतवाली, मुगलसराय उप निरीक्षक राजकुमार पांडे व उप निरीक्षक सुनील कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिस टीम मौजूद रही। चंदौली से UP लाइव 100 न्यूज के संवाददाता रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। मुगलसराय पुलिस द्वारा जो है तेल टैंकरों से जो है कटिंग कर तेल चोरी करने का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें इसके गैंग का जो सरगना है शाहिद, वो गिरफ्तार किया गया है। और एक टैंकर में करीबन 9,000 लीटर के करीब डीजल और पेट्रोल बरामद हुए हैं और ड्रमों में 450 लीटर के करीब तेल जो टैंकर से निकाला गया था वो बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो तेल निकालने के लिए उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं वो उपकरण बरामद हुए हैं। इनका पैटर्न क्या था, कैसे तेल चोरी होती थी? जो टैंकर डिपो से इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से निकलते थे उनको ये मिल्कीपुर में ले जाया करते थे और क्रेशर प्लांट के बगल में शाहिद ने एक कमरा किराए पर ले रखा था, वहीं ये खड़ा करते थे और उसी में से तेल चोरी करके ड्रमों में भरते थे और उसके बाद तेल को बेचते थे। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें इनके खिलाफ EC एक्ट की कार्रवाई हुई है और आगे फिर इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करके 14(1) की कार्रवाई की जाएगी।